चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉली एम्ब्रियोनी, हम शेयर करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है और इसमें हम किन किन चीजों के ध्यान में रखेंगे। तो पॉली एम्ब्रियोनी, जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, पॉली मतलब ढेर सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना। जब सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को हम लोग पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स आपस में जुड़े हुए आते हैं, ठीक है ना, तो फ्रूट एक ही रहता है और अंदर जो है एक से ज़्यादा बीज, खासतौर पर आम में जब आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि अंदर से दो गुठलियाँ निकल जाती हैं, जिसमें से मटर में, हाँ मटर में भी मिलता है, जिसमें से कि एक गुठली जो है बड़ी रहती है आम के केस में और एक जो है वो छोटी रहती है। तो ये कंडीशन आप लोगों ने कई बार देखी है, ये इसको हम लोग जो है पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होता है जनरली वो मेच्योर नहीं हो पाता, वो छोटा रहता है मेन एम्ब्रियो से और वो बाद में डीजेनरेट होता है, वो डेवलपमेंट पूरा अपना नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक एम्ब्रियो सैक में इतनी स्पेस नहीं होती है, एक ओव्यूल में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो दो एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन को सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी अगर देखा जाए तो कई लोगों ने कई तरीके से डिफाइन किया है, तो ब्रॉडली अगर देखें पॉली एम्ब्रियोनी दो तरीके की होती है, एक ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी, एक है फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहते हैं? तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि जो मल्टीपल एम्ब्रियो होता है वो एक ही सिंगल एम्ब्रियो सैक से डेवलप होता है। जब एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण होता है तब उसको हम जो है ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब कैसे एक एम्ब्रियो सैक में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, इसके बारे में ब्राउन ने बताया था कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी चार अलग अलग तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले बाई द क्लीवेज ऑफ द जाइगोट एंड जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो आपने पढ़ा होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एग सेल जाइगोट में कन्वर्ट होता है, और जाइगोट में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्लीवेज शुरू होते हैं। क्लीवेज मतलब विदलन शुरू होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो कई बार ये जो क्लीवेज होता है वो काफ़ी डीप क्लीवेज हो जाता है। डीप क्लीवेज होने की वजह से जो जाइगोट है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है और दोनों जो टुकड़े हैं वो इंडिपेंडेंटली डेवलप करने लगते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स में भी जो एकदम जुड़वा लोग होते हैं वो भी ऐसे ही डेवलप, उनका भी डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है। तो कई बार प्लांट्स में जो एम्ब्रियो है या जाइगोट है या जाइगोटिक एम्ब्रियो है उसकी सेल्स स्प्लिट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और इन टूटने की वजह से जो दोनों स्प्लिट पार्ट है दो अलग अलग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। और ये जो है ऑर्किड्स में बड़ा कॉमन है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि यूलोफिया एक ऑर्किड है जिसमें कि एम्ब्रियो के स्प्लिटिंग यानी एम्ब्रियो के टूट जाने से जो है पॉली क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी होती है। इसी तरह एक्सोकार्पस प्लांट में जो सस्पेंसर डेवलप होता है एम्ब्रियो से, उस सस्पेंसर के स्प्लिटिंग होने से, टूटने से जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या जाइगोटिक पॉली एम्ब्रियोनी। दूसरा कंडीशन है क्या होता है कि जब सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग सेल, आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7-celled न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर है जिसमें से कि केवल एग सेल फर्टिलाइजेशन में भाग लेती है और डेफिनेटिव न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो डेफिनेटिव न्यूक्लियस तो एंडोस्पर्म बना देगा जो कि एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो सैक में सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एंटीपोडल सेल्स हैं या जो एग सेल को दोनों ओर से कवर्ड रखती हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? सिनर्जिड सेल्स। तो कई बार क्या होता है कि जैसे फेजियोलस है, फेजियोलस मतलब जो है अरहर है और अरिस्टोलोकिया, ये प्लांट है, इसमें जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो होता है वो सिनर्जिड से डेवलप होता है, जो सिनर्जिड सेल्स होती है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इसी तरह जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है, पीली कटेरी, इसमें जो एंडोस्पर्म्स की सेल होती हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं।
अल्मस एक प्लांट होता है, एल्डर प्लांट जिसको बोलते हैं, एल्म प्लांट, एल्म ELM, एल्म प्लांट, उसका बॉटनिकल नेम है अल्मस। इसमें जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियो में डेवलप होती हैं, तो इस तरीके से भी इसमें पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है। तीसरी जो कंडीशन है, बाय द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेल। कई बार क्या होता है कि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। जनरली एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। आपने पढ़ा होगा न्यूसिलस है, न्यूसिलस की जो सेल्स होती हैं उसमें से एक मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करती है, और वो मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगास्पोर में कन्वर्ट होगी मियोसिस के बाद, और फिर वो मेगास्पोर जो होता है एम्ब्रियो सैक बनाता है। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से कि न्यूसिलस में एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, और उस वजह से उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। तो ये कंडीशन जो है सिट्रस और कैजुआराइना, सिट्रस मतलब नींबू के जो फैमिली है इसमें, और कैजुआराइना झाऊ का पेड़ जिसको कहते हैं, उसमें इस तरीके से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। चौथी कंडीशन जो होती है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ सम स्पोरोफिटिक सेल्स ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल की जो स्पोरोफिटिक सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ द न्यूसिलस या सेल्स ऑफ द इंटेगुमेंट, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, इसकी सेल्स जो है डिवाइड एंड रीडिवाइड करके जो है सीधे सीधे एम्ब्रियो का निर्माण कर देती है। तो इस तरीके से भी पॉलीएम्ब्रियोनी हो सकती है, और ये कंडीशन सिट्रस, मैंजीफेरा, ओपन्सिया, मैंजीफेरा आम को कहते हैं, ओपन्सिया नागफनी को कहते हैं, उसमें पाया जाता है। जो फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी है, फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी के केस में जो मल्टीपल एम्ब्रियो होते हैं, दे डेवलप फ्रॉम द डिफरेंट एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द वन ओव्यूल। एक ही ओव्यूल में जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक की वजह से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, तो इसको हम लोग फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी हमेशा एक ही एम्ब्रियो सैक से एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन होता है और पॉलीएम्ब्रियोनी होती है, तो उसको फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेगेरिया, फ्रेगेरिया मतलब स्ट्रॉबेरी, आपने स्ट्रॉबेरी में भी देखा होगा, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा फ्रूट्स चिपके रह जाते हैं स्ट्रॉबेरी में, दो दो चिपके रह जाते हैं, है ना। इसके अलावा लोरेंथेसी फैमिली में भी जो है फाल्स पॉलीएम्ब्रियोनी बड़ी कॉमन चीज है। अब आते हैं काजेज ऑफ द पॉलीएम्ब्रियोनी, आखिर पॉलीएम्ब्रियोनी प्लांट्स में होती क्यों है। कई थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी है पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए, लेकिन कोई भी थ्योरी सफिशियंटली वैलिडेटेड थ्योरी नहीं है, मतलब प्रूवन थ्योरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हैबरलैंड साइंटिस्ट थे, हैबरलैंड ने 1921 में नेक्रो हॉर्मोन थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, उस दौरान न्यूसिलस की कुछ सेल्स डीजेनरेट होने लगती हैं, और न्यूसिलस की सेल्स जब डीजेनरेट होती हैं यानी नष्ट होने लगती हैं, तो आसपास की सेल्स को डिवाइड करने के लिए प्रेरित करती हैं, और वो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। फिर इसी तरह एक लीरॉय साइंटिस्ट थे, लीरॉय ने बताया कि जो मैंगो में पॉलीएम्ब्रियोनी होता है वो रिसेसिव जीन की वजह से होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो मोनो एम्ब्रियोनेट कंडीशन, यानी कि एक फ्रूट में एक ही एम्ब्रियो या एक सीड में एक ही एम्ब्रियो का प्रेजेंट होना, ये डोमिनेंट जीन की वजह से है। अगर मैंगो में डोमिनेंट जीन होगा तो मोनो एम्ब्रियोनेट कंडीशन होगी, और अगर रिसेसिव जीन होगा तो पॉली एम्ब्रियोनेट कंडीशन होगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो मोनो एम्ब्रियोनेट कंडीशन है, या जो डोमिनेंट जीन वाले मैनगो हैं, वो मैनगो के प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी आम का जो प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जैसे भारत आम का प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन है, वहां पर मोनो एम्ब्रियोनेट कंडीशन पाई जाती है, और वहां के आम में डोमिनेंट जीन पाया जाता है। जो सेकेंडरी ओरिजिन है और सेंटर ऑफ ओरिजिन है मैनगो के, फॉर एग्जाम्पल चाइना, सूडान, फिलीपींस, यहाँ पर जो आम होते हैं इनमें रिसेसिव जीन पाया जाता है पॉलीएम्ब्रियोनी के लिए, और उस रिसेसिव जीन की वजह से ऐसे कंट्रीज के मैंगो में पॉलीएम्ब्रियोनी बड़ी कॉमन होती है, ठीक। लेकिन ये थ्योरी भी एक्सेप्ट नहीं की जाती है, क्योंकि इंडिया में कई आम की वैरायटी हैं, फॉर एग्जाम्पल लंगड़ा है, फजली है, इसमें पॉलीएम्ब्रियोनेट कंडीशन बड़ी कॉमन है, तो ये थ्योरी भी जो है एक्सेप्ट नहीं की गई। फिर एक और साइंटिस्ट है फ्रूसेटो, फ्रूसेटो ने 1957 में बताया
कि जो सिट्रस है यानी नींबू कुल के जो पौधे होते हैं उनमें जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो चार कंडीशन की वजह से हो सकती है। नंबर एक की एज ऑफ द ट्री, अगर पेड़ जितना पुराना होगा उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन उतनी ज़्यादा होगी। यंग पेड़ में पॉलीएम्ब्रियोनी कम होगी, जैसे जैसे पेड़ बूढ़ा होता जाएगा, ओल्डर होता जाएगा, वैसे पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन ज़्यादा उसमें देखी जाएगी। दूसरा था कि फ्रूट सेट कंडीशन, यानी आम में या सिट्रस में हो, कई बार होता है कि एक साल फसल खूब आती है, एक साल खूब फल आते हैं, अगले साल फल नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल जैसे लास्ट ईयर खूब आम आए थे, लगभग हर पेड़ में जिसमें आम नहीं आते थे तो उसमें भी आम आए, और इस साल जो है काफ़ी कम आम देखने को मिलता है। तो ये सिट्रस में और ये मैंगो में बड़ा कॉमन है। तो जिस साल फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं, फल ज़्यादा बनते हैं पेड़ में, उस साल पॉलीएम्ब्रियोनी की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक, थर्ड कंडीशन है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब ये है कि अगर प्लांट का न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर है तो पॉलीएम्ब्रियोनी कम होगी। अगर न्यूट्रिशन प्लांट को खूब मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में तो पॉलीएम्ब्रियोनी की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा न्यूट्रिशन ज्यादा पॉलीएम्ब्रियोनी होने के चांसेस होते हैं। फिर एक बड़ी यूनिक चीज उन्होंने बताई, चौथी चीज ब्रांचिंग पैटर्न। ब्रांचिंग पैटर्न में उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में, सिट्रस के या मैंगो के प्लांट्स में, जो उत्तर दिशा की ओर ब्रांचेस होती हैं उसमें ज्यादा पॉलीएम्ब्रियोनी होती है इन कंपेरिजन टू द सदर्न ब्रांचेज, यानी जो दक्षिण दिशा की ओर ब्रांचेज होती हैं उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी कम होती है, उत्तर दिशा की तरफ जो ब्रांचेज होती हैं उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन ज्यादा पाई जाती है। तो ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है पॉलीएम्ब्रियोनी की थ्योरी दी थी कि पॉलीएम्ब्रियोनी किस वजह से होती है, लेकिन कोई भी थ्योरी कन्विंसिंगली सॉलिड नहीं मानी जाती है। सबका कुछ ना कुछ जो है लूप होल है, किसी ने किसी की उसकी कुछ कमजोरी है या उसके जो है एक्सेप्शंस मिले हैं। फिर एक कंडीशन और आती है कि जो पॉलीएम्ब्रियोनी होती है वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी और एक होता है इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। जो स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी होती है इसको हम लोग कहते हैं नेचुरली अकरिंग पॉलीएम्ब्रियोनी, यानी जो अपने आप पॉलीएम्ब्रियोनी होती है प्लांट्स में अपने आप बिना किसी इंटरवेंशन के या ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी। तो जो स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी होते हैं वो सिट्रस में और मैंगो में बड़ी कॉमन है। अभी भी स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी क्या है कि ये दो तरीके की हो सकती है, ट्रू स्पॉन्टेनियस एंड फॉल्स स्पॉन्टेनियस। ट्रू स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि व्हेन टू और मोर एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द सेम एम्ब्रियो सैक, जैसे हमने पहले बताया था ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, अगर एक ही एम्ब्रियो सैक से दो या दो से ज्यादा पॉलीएम्ब्रियोनी, जो एक एक ही एम्ब्रियो सैक में दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं तो इसको ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। और फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में जब अलग अलग एम्ब्रियो सैक से एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो उसको हम लोग फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैजुअराइना। इसके अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी को दो और अलग तरीकों से भी डिफाइन कर सकते हैं, गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी एंड स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। जब गैमेटोफिटिक टिश्यू की वजह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। अब जो गैमेटोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी होती है विद फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिनर्जिड्स की सेल है या एंटीपोडल्स की सेल है, ये गैमेटोफिटिक सेल है, इनमें या तो फर्टिलाइजेशन के बाद गलती से मेल न्यूक्लियस जो है डेफिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज होने की बजाय, या एक्स्ट्रा दो की जगह उसमें तीन मेल न्यूक्लियाई बन गए पॉलन ट्यूब में, या कई बार कभी कभी ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि एक ही एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब एंटर कर गए, तो उस केस में स्पर्म्स की संख्या या जो मेल गैमिट की संख्या है वो दो से ज्यादा हो जाती है। तो जो एडिशनल एम्ब्रियो यानी जो तीसरा जो मेल गैमिट है वो या तो एंटीपोडल की सेल को फर्टिलाइज कर देता है या सिनर्जिड की सेल को फर्टिलाइज कर देता है, ऐसे केस एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन और विद फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण। ठीक है, फिर दूसरी जो उसमें डी कंडीशन दी है दैट इज द स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी। स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी इसमें क्या क्या होता है कि जाइगोट की सेल या प्रो एम्ब्रियो की सेल या स्पोरोफिटिक सेल जैसे न्यूक्लियस एंटेगमेंट, इनकी सेल से एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसको हम लोग स्पोरोफिटिक पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। फिर जो दूसरी कंडीशन है, एक तो स्पॉन्टेनियस पॉलीएम्ब्रियोनी और दूसरा इंड्यूस्ड पॉलीएम्ब्रियोनी।
इंड्यूस्ड पॉली एम्ब्रियोनी हम लोग लैब में केमिकली इंड्यूस करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। क्या करते हैं कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स हैं, हम लोग जो पौधे से सीड्स निकालते हैं, उस सीड्स को कुछ केमिकल से हम लोग ट्रीट करते हैं। वो केमिकल्स का नाम है 2,4-D, 2,4-5-T और NAA। 2,4-D का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सीएस्टिक एसिड, 2,4-5-T ट्राइक्लोरो ट्राइफिनॉक्सीएस्टिक एसिड, NAA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड। तो ये ऑक्सिन्स हैं और इसका लगभग 0.1% अगर सॉल्यूशन बनाकर के उसमें हम सीड डाल दें तो ट्विन एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रक्रिया उसमें स्टार्ट हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का महत्व क्या है? तो पॉली एम्ब्रियोनी का एग्रीकल्चर के केस में और प्लांट ब्रीडिंग के केस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो एडिशनल एम्ब्रियो होता है वो कटिंग एंड ग्राफ्टिंग के लिए बड़ा सूटेबल होता है, क्योंकि ये ऐसा एम्ब्रियो जो कि एडिशनल है वो अपने आप डेवलप नहीं कर सकता है, लेकिन उसको अगर हम काट के अगर दूसरे प्लांट पे लगाएंगे, उसके डेवलपमेंट को हम प्रमोट करेंगे, तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं टिश्यू कल्चर के लिए बड़े सूटेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें डिजीज नहीं होता है, इनमें डिजीज फ्री होता है, इसमें जो है जो विगर की कमी होती है वो नहीं होती है और इसमें रूट सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के लिए काफी सूटेबल होते हैं एडिशनल एम्ब्रियो। इसके अलावा जो हैप्लॉयड एम्ब्रियो है, यानी जो एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स की सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में, तो वो हैप्लॉयड एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे या हैप्लॉयड प्लांट बना देंगे। तो जो ऐसे हैप्लॉयड प्लांट होते हैं वो स्टेराइल तो होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें एक्सपेरिमेंटली कॉल्चिसिन एक केमिकल होता है, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें क्रोमोजोम रीडुप्लीकेशन होता है, हर एक क्रोमोजोम की दो कॉपी बन जाती है। ऐसे केस में जो प्लांट्स डेवलप होते हैं वो होमोजाइगस प्लांट होते हैं, यानी कि हर एक क्रोमोजोम की दो कॉपी होगी और हर एक जीन की दो कॉपी होगी, उसमें कोई जीन डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होगी, जिस तरह का जीन हैप्लॉयड प्लांट में प्रेजेंट होगा उसी की डुप्लीकेट कॉपी उसमें डेवलप हो जाती है कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से। तो इस तरीके से जो हैप्लॉयड प्लांट्स डेवलप होते हैं, वो हैप्लॉयड प्लांट्स जो होते हैं ये प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में बड़े काम आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके फीचर, इनके इंपॉर्टेंट यूजेस थे पॉली एम्ब्रियोनेट कंडीशन के। तो ये शॉर्ट नोट के रूप में जो है आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है फोटोपीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। फोटोपीरियडिज्म क्या होता है? फोटोपीरियडिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है फोटोपीरियडिज्म? नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट।